उसके बोतलवा खाली थी ग्रीन कलर की, तो मैंने उस ग्रीन कलर में प्लांट लगा दिए। इनका तो पेशा है चोरी करना, धांधली करना, क्योंकि काजल निषाद की तरह मेहनत तो की नहीं है, तो इनको जो बना बनाया पकाया हुआ है खाना खाना अच्छा लगता है, कोई कोई भोजन भरी थाली भी चटा जाता है अकेले ही। तो ये है कि भाई ऐसे लोग हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता। अगर आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता है? बहुत सारी प्राथमिकता है। फर्स्ट तो ये है कि मैंने हमेशा कहा है कि जलभराव की समस्या गोरखपुर में है, हमेशा कहा मैंने, और ईश्वर ने मेरे साथ देते हुए चुनाव के एक दिन पहले ही बारिश हुई, और वो भी हल्की बारिश हुई। आपने देखा होगा कि सुबह से दोपहर तक ही बरसा, और उसमें भी जलमग्न शहर रहा, अस्त व्यस्त जीवन रहा, और ट्रैफिक जाम की समस्या रही। मैंने वीडियो भी बनाया था जल भराव का, और उस वीडियो में 1,03,000 तुरंत ही जुड़े थे, देखे थे, अब ज़्यादा हो गए होंगे। धन है हमारी मेहनत का फल है, और जिसने फल लगाया नहीं वो क्यों चुरा के ले जाए, हमने लगाया है, ये हमारा ही फल है। दूसरी बात, इसीलिए शक हो रहा है, संदेह इसलिए हो रहा है कि जो 20 वार्ड के जो मेरे मशीन हैं बहुत सारे, वो अलग से जो है संवाद भवन में रखे हुए हैं, और जिसमें निषाद जो है बाहुल्य क्षेत्र है, और मुझे पता है कि मेरे सम्मानित जनतागण ने बहुत सारे वोटिंग्स किए हैं मुझे, और खासकर मेरे समाज के लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। निषाद समाज ने पहली बार इतनी मात्रा में वोटिंग की है हर जगह से, तो संवाद भवन में जो रखे हुए वो मेरे अपने जो फल है, मेरा अपना आशीर्वाद है, तो मुझे वो शक होता है, क्योंकि वो यहाँ भी रख सकते थे, एक साथ काफ़ी कई 5 कमरों में रखा है, वहाँ एक, यहाँ भी रख सकते थे, फिर वहाँ रखा तो वहाँ CCTV फुटेज भी नहीं लगाया हुआ था, तो थोड़ा और ज़्यादा संदेह हुआ हमें, तो हमने वहाँ जाकर बुलवा के वो लगाया, वो लगे, तो वो रखवाली मैं ज़रूर करूँगी, बस अभी निकलने ही वाली थी। अच्छा ये बताइए, जैसे 39 वार्ड में देखा जाए तो 381 नंबर बूथ संख्या में डालने ही नहीं दे रहे थे वोट, और क्यों कारण पूछा तो BLO की पर्ची में नाम है, वोटर ID में नाम है, लेकिन अंदर जो पीठासीन अधिकारी जी बैठे हुए उनकी लिस्ट में वो मैच नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों सरकारी अधिकारी है, और यहाँ पे BLO भी पर्ची काट रहे हैं, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी जी का मिलना चाहिए, मिलान होना चाहिए, मिलान हुआ नहीं। काफ़ी लोग 150-200-250 लोग वापस चले गए। इस दूसरी बात की त्रुटियां बहुत निकाल रहे थे, जरा सी त्रुटियां, जैसे शिवशंकर नारायण हुआ तो शिव नारायण किसी का पिताजी का नाम हो गया तो वापस भेज दे रहे थे, जबकि वो भी सरकारी त्रुटियां थी। अच्छा काफी गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस बीच हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी जीत आपको लग रहा है आने वाली, और क्या ऐसा काम है जो अगले 5 साल आपकी मेयर बनने के बाद आपको लगता है कि ये जरूरी है करना, कितना जनता के बीच में रहेंगे? जी बिल्कुल, जनता के बीच में ही हूँ मैं, जनता के बीच में रहूँगी, मेरा ससुराल है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। हाँ, जो आपने 36% कहा वो इसलिए भी कि काफ़ी लोगों के नाम भी कटे थे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के नाम भी कटे थे, तो बहुत सारी धांधलियाँ हुई थी। जो मैंने मेहनत की है, जो सरकार ने देखा, उन्होंने तो मेहनत की नहीं, और हर बार मेयर प्रत्याशी वो बदल देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर काम किए होते तो क्यों बदलते। दूसरी बात की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 सभाएं की, भाई काम किए होते तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही गढ़ में सभा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसलिए भी कि भाई निषाद की बहू मेयर नहीं बननी चाहिए, निषाद समाज तो सिर्फ वोट बैंक के लिए बना है, ये आरक्षण के लिए भी नहीं बना है, तो ये मेयर के लिए भी नहीं बना है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाफ, निषाद समाज के खिलाफ भी 2-3 सभाएं की। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हो कि मेयर बन जाती हूँ, तो मेयर बन जाती हूँ तो जिम्मेदारियाँ और मेरी बढ़ जाएगी, और जिम्मेदारियों को निभाते हुए लगातार क्षेत्र में रहूँगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्होंने इतना मेरे लिए काम छोड़ा है, इतना काम छोड़ा है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी, और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कभी भी फुर्सत में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है, जिसमें कविताएँ लिखती हूँ मैं, क्रिएटिविटी करती हूँ, प्लांट्स लगाती हूँ मैं, पेंटिंग्स करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे लगातार वर्क मिलेगा। मैं अपने गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ शहर बनाना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं उतर पड़ूंगी, Day 1 से ही उतर पड़ूंगी। तो देखिए जिस तरह से मैंने चुनाव लड़ा, और मैं एक दिन भी घर पे नहीं रुकी, और लगातार सोई भी नहीं ठीक से, खाना भी नहीं खाया, और काम के लिए निकल गई, तो मेयर बनने के बाद तो और भी जिम्मेदारियां मेरी बढ़ जाएंगी, तो तब तो मुझे बिल्कुल नहीं रुकना है और लगातार काम करना। और भाई मुझे लगता है कि भाजपा वाले ने इतना काम मेरे लिए छोड़ा है, इतना छोड़ा है, इतनी गंदगी है पूरे शहर में कि मुझे साफ करते करते ही नानी याद आ जाएगी, तो वो मैं करूँगी, लेकिन मैं करूँगी। मुझे इंदौर सिटी जैसे खूबसूरत हो गई है, और विदेशों से प्रेरणा लेकर भी मैं करूँगी, लेकिन मैं अपने गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी, और इसके लिए मुझे जागरूक करना पड़ेगा जनता को, वो भी करूँगी।
धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी ज़मीनी हकीकत आपने भी दिखाई मेरे साथ, जैसे मैंने मेहनत की आपने भी ज़मीन पर मेहनत करके लोगों को वो मुद्दा दिखाया जो मैं दिखाना चाहती थी। और सारे दर्शक मित्रों को भी नमस्कार करती हूँ। माफ़ कीजिएगा, चश्मा इसलिए भी पहना है कि एक तो मेरा ऑपरेशन आँख का हुआ था इसलिए भी, और एक काफ़ी आँखें थकी हुई मेरी नज़र आ रही है इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया है कि थोड़ा ठीक लगे। आज काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, जैसे लग रहा है कि काफ़ी घमासान युद्ध के बाद की जो शांति होती है, माहौल शांत हो जाता है, जैसे शांत हो गया है। तो मैं शौक़ रखती हूँ पेंटिंग्स का, घर पे बैठी रहती हूँ तो पेंटिंग्स करती हूँ, कभी कविताएँ लिखती हूँ, कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ, जैसे किस चीज़ से क्या बनाना, जैसे वेस्ट में से बेस्ट बनाना वो मैं करती रहती हूँ। गार्डनिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के साथ बातें भी करती हूँ और उनको नया नया कुछ उगा के मुझे मज़ा आता है करना। तो काफ़ी दिनों से मुझे लगा कि इस वजह से थोड़ा कलर डल हो गया था और मेरे पास सारे कलर्स भी पड़े हुए थे, मैंने सोचा मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ तो मैं कर दूँ, तब तक आप लोग भी आ गए तो अच्छा रहा, सारा चुनाव भी अच्छा रहा। और आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं चल नहीं रही हूँ, जो मिलों मिल में चल रही थी, आज धूप नहीं लग रही है, आज मैं चल नहीं रही हूँ, वो मिस कर रही हूँ कि जो मैं लगातार चली हूँ और जनता जो मेरे साथ चली है तो वो मिस हो रहा है, लेकिन रिलैक्स अच्छा लगता है। तो कैनवास अगर मुझे कहीं मिल गया तो मुझे लगता है कि मुझे ब्रश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं अपने हाथों से उंगलियों से ही पेंटिंग के साथ मतलब कलर्स के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ, नया कुछ ज़रूर बन जाता है।